हाई गाइज, माई नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू कैंपस एक्स। सो इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में RNN स्टार्ट किया था और हमने बहुत स्पेसिफिकली ये पढ़ा था कि एक RNN की ज़रूरत क्यों है। हम ANN से भी तो अपना काम चला सकते हैं, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अब आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक RNN का आर्किटेक्चर कैसा होता है और उसके अंदर फॉरवर्ड प्रोपेगेशन यूज़ करके प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है। सो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप RNNs अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड, प्लीज़ आज का वीडियो आप एंड तक देखना एंड इफ़ पॉसिबल नोट्स बनाना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम लोग अपना डिस्कशन वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने पिछला वीडियो ख़त्म किया था। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास सीक्वेंशियल डेटा है, ठीक है, तो आपको RNNs की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ANN, CNN, ये जो सारे के सारे न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स हैं, ये सीक्वेंशियल डेटा के ऊपर अच्छे से काम नहीं कर पाते। और मेनली मैंने आपको दो रीजंस दिए थे। पहला कि जो सीक्वेंसेस होते हैं या जो सीक्वेंशियल डेटा होता है, इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, राइट, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर ANN, बिकॉज ANNs जनरली फिक्स्ड इनपुट साइज के ऊपर काम करते हैं, राइट। मतलब आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल अगेन कि लेट्स से अगर आप मूवी रिव्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हो तो देर इज़ नो गारंटी कि हर मूवी रिव्यू के अंदर जो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे वो सेम होंगे। ऑब्वियसली अलग अलग मूवी रिव्यूज़ में नंबर ऑफ वर्ड्स अलग अलग होंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट ANNs को आप यूज़ नहीं कर सकते। कुछ जुगाड़ हमने लगाए थे जैसे कि ज़ीरो पैडिंग वगैरह, अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट अगेन, अगर आप ज़ीरो पैडिंग वगैरह भी लगाते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ कंप्यूटेशन जो है वो बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये लगाना उतना लॉजिकल नहीं है, ठीक है। द सेकेंड रीज़न टू नॉट यूज़ ANN एंड यूज़ RNN इज़ कि सीक्वेंस कंटेन्स सम मीनिंग, राइट। सीक्वेंशियल डेटा का मतलब ही यही है कि पहले जो आ रहा है, बाद में जो आ रहा है वो पहले वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। अब यहां पे मैंने ये इंग्लिश में सेंटेंस लिखा तो आप इसको सीक्वेंशली पढ़ रहे हो। आप पहले इसको पढ़ रहे हो, फिर आप इसको पढ़ रहे हो और इसको पढ़ रहे हो और इसको पढ़ रहे हो। जब आप इस वर्ड को पढ़ रहे हो तो आपने इन तीनों को अपने दिमाग में रखा है, तभी आप इस वाले वर्ड को प्रोसेस कर पा रहे हो। अब अनफॉर्चुनेटली ANN में आप पूरा का पूरा डेटा एक साथ इनपुट कर देते हो, तो बेसिकली सीक्वेंस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन छुपा है वो हम लोग लूज कर जाते हैं, और इसीलिए RNNs का रिक्वायरमेंट आया। सो RNNs आर अ स्पेशल क्लास ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स जिनके पास मेमोरी का फीचर होता है, मतलब वो पास्ट इनपुट्स को याद रख पाते हैं एंड दैट इज वाई दे वर्क ग्रेट ऑन सीक्वेंशियल डेटा। तो अब आज का जो वीडियो है इसमें हमारा गोल है फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड RNN का आर्किटेक्चर, ठीक है। फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि RNN में फॉरवर्ड प्रोपोगेशन कैसे होता है, या फिर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो RNN प्रिडिक्शन कैसे करता है। मतलब अगर आप उसको एक इनपुट डेटा दे रहे हो तो वो आउटपुट कैसे कैलकुलेट करता है, ये आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और लास्टली वी विल राइट कोड्स जिससे हमारा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और सॉलिडिफाई होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो का ये हमारा गोल है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ने के पहले और RNN का आर्किटेक्चर समझने के पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जब आप अपने RNN के अंदर डेटा इनपुट करते हो तो वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में होता है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। सो जब भी आप RNN में डेटा इनपुट करते हो तो आपका जो डेटा है वो इस फॉर्म में होता है, टाइम स्टेप्स कॉमा इनपुट फीचर्स, दिस इज द फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म में आप डेटा को RNN के अंदर इनपुट करते हो। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं।
मान लो हम लोग एक सेंटिमेंट एनालिसिस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पर हमें इनपुट में मूवी के रिव्यूज़ मिले हैं और हमें आउटपुट में प्रिडिक्ट करना है कि उस मूवी रिव्यू का सेंटिमेंट कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम आपको सामने सामने दिख रही है कि आपका जो इनपुट है वो इंग्लिश वर्ड्स हैं। हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स, दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो वी नीड नंबर्स और वेक्टर्स। तो देर आर मल्टीपल वेज टू कन्वर्ट वर्ड्स और टेक्स्ट टू वेक्टर्स, हमने पढ़ा था हमारे NLP प्लेलिस्ट में। मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट दिखाता हूँ। हम वन हॉट इनकोडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास तीन रिव्यूज़ हैं और ये तीनों रिव्यूज़ एक्चुअली पांच यूनिक वर्ड से मिलकर बने। यू कैन क्लियरली सी दैट मूवी वॉज गुड, बैड एंड नॉट। ये पांच वर्ड्स हमारी वोकैबुलरी फॉर्म कर रहे हैं। बेसिकली कोई भी रिव्यू हमारे सिस्टम के अंदर इन्हीं पांच वर्ड से मिलकर बनेगा। सो हमारा वोकैबुलरी इज अ फाइव वर्ड कॉर्पस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी भी वर्ड को एक फाइव नंबर रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे कि मूवी को आई कैन रिप्रेजेंट विद दिस, वॉज को आई कैन रिप्रेजेंट विद दिस, गुड को आई कैन रिप्रेजेंट विद दिस, बैड को आई कैन रिप्रेजेंट विद दिस, और नॉट को आई कैन रिप्रेजेंट विद दिस। राइट, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये मूवी का वेक्टर है, ये वॉज का वेक्टर है, ये गुड का वेक्टर है, ये बैड का वेक्टर है और ये नॉट का वेक्टर है। राइट, अब अगर मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर रिव्यू को टोटली वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं बहुत सिंपली फर्स्ट वाले को ऐसे लिखूंगा। ये रहा गाइस हमारा रिव्यू वन। राइट, अब होगा क्या कि आप वन बाय वन हर वर्ड को अपने RNN के अंदर भेजते हो। सो जब आप पहली बार भेजते हो उसको बोला जाता है टाइम इक्वल टू वन। जब आप पहला वर्ड भेजते हो उसको टाइम इक्वल टू वन बोला जाता है, जब दूसरा वर्ड भेजते हो उसको टाइम इक्वल टू टू, टाइम इक्वल टू थ्री एंड सो ऑन। सो ये जो आपका रिव्यू है ये एक्चुअली इस शेप का है, 3.5, जहां पे 3 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स। तीन वर्ड्स हैं तो तीन टाइम स्टेप्स, और 5 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ फीचर्स या इनपुट फीचर्स इन योर डेटा। ठीक है, सिमिलरली आपका जो सेकेंड रिव्यू होगा उसका भी शेप क्या होगा, 3.5, बिकॉज देर आर 3 वर्ड्स एंड ईच वर्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 5 नंबर्स। जो फोर्थ वाला होगा दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 4.5। ठीक है, तो ये आपको एक बार अपने दिमाग में रखना है कि डेटा जब भी आप इनपुट करोगे तो आप हमेशा टाइम स्टेप्स कॉमा इनपुट फीचर्स के फॉर्म में इंसर्ट करोगे। ठीक है, जब आप केराज यूज करोगे और वहां पे जो सिंपल RNN क्लास है वहां पर आप एक्चुअली इस फॉर्म में डेटा भेजोगे, बैच साइज कॉमा टाइम स्टेप कॉमा इनपुट फीचर्स। सो वहां पे क्या होगा कि आप एक साथ मल्टीपल रिव्यूज को भेजोगे। मान लो हम इन तीनों को एक साथ भेज रहे हैं तो हमारा डेटा का साइज हो जाएगा कॉमा 4। 4 क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो सबसे लंबा एज इन सबसे ज़्यादा वर्ड्स वाला रिव्यू है उसका साइज इज 4 एंड इनपुट फीचर्स वुड बी 5। तो आप ये 3D टेंसर इनपुट करोगे अपने RNN में। ठीक है, तो आई होप आपको डेटा किस तरीके से फीड करना है वो समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि RNN का आर्किटेक्चर कैसा होता है और वो प्रिडिक्शन कैसे करता है। चलो गाइज, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है।
अब हम समझने जा रहे हैं कि आरएनएन का आर्किटेक्चर कैसा होता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ रहे हैं, और एग्जाम्पल वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया। वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस, जहाँ पर हमारे पास ये डेटा है, राइट। हमारे पास कुछ मूवी के रिव्यूज़ हैं और हमें बताया गया है कि उनका सेंटिमेंट कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और जानबूझ के मैंने डेटा बहुत ही छोटा लिया है, रियल वर्ल्ड डेटा इससे बहुत बड़ा होगा। हमारे पास सिर्फ 3 रिव्यूज़ हैं और हमारी वोकैबुलरी में टोटल 5 वर्ड्स हैं, और बेसिकली हम हर वर्ड को एक वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि नंबर्स के फॉर्म में हम लोग इस पूरे इन्फॉर्मेशन को न्यूरल नेटवर्क में फीड कर पाए, ठीक है। आगे मैथ्स को ईजी रखने के लिए, हम अगर हमारे इनपुट को एक्स बुला रहे हैं तो हमारा पहला रिव्यू X1 कहलाएगा, हमारा दूसरा रिव्यू X2 कहलाएगा और हमारा तीसरा रिव्यू X3 कहलाएगा। और हमारे पहले मूवी का जो पहले रिव्यू का जो पहला वर्ड है उसको हम X11 बुलाएंगे, जो कि ये वेक्टर है। इसको X12 बुलाएंगे, जो ये वेक्टर है। इसको हम X13 बुलाएंगे, जो ये वेक्टर है। सिमिलरली ये X21 होगा, X22 होगा, X23 होगा, X31, X32, X33, X44। ये नोटेशन मैं पहले से क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो आरएनएन जो होता है ना, वो इट इज़ वेरी सिमिलर टू एएनएन, बस दो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। टू बिग डिफरेंसेस आर देयर, ठीक है। सो जनरली एएनएन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एएनएन कुछ ऐसा दिखाई देता है कि पहले आपके पास कुछ इनपुट होता है या इनपुट लेयर होता है, फिर आपके पास एक हिडन लेयर होता है या मल्टीपल हिडन लेयर्स होते हैं, और फिर आपके पास आउटपुट होता है, राइट। सो देयर इज इनपुट, दिस इज हिडन एंड दिस इज आउटपुट। आरएनएन का भी आप स्ट्रक्चर सिमिलर अज्यूम कर सकते हो। आरएनएन में भी देयर इज इनपुट, देयर इज आउटपुट एंड देयर इज अ हिडन लेयर, बट देयर आर टू मेजर डिफरेंसेस। लेट मी टेल यू वन बाय वन। सो पहला मेजर डिफरेंस ये होता है कि आप किस तरीके से डेटा फीड कराते हो अपने नेटवर्क में। सो इन आरएनएन व्हाट यू डू इज, आप सबसे पहले अपना पहला रिव्यू उठा रहे हो और आप उसको इस नेटवर्क में भेज रहे हो। तो आप क्या करते हो, आप टाइम के बेसिस पे इनपुट भेजते हो। सो व्हाट यू विल डू इज, एट टाइम इक्वल टू 1 or 0 बोल सकते हो, आप सिर्फ X11 को भेजोगे, विच इज योर फर्स्ट वर्ड। फिर उससे कुछ आपको आउटपुट मिलेगा। फिर T=2 पे आप X12 को भेजोगे, उससे फिर आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। और फिर T=3 पे आप X13 पे भेजोगे। सो बेसिकली द फर्स्ट मेजर डिफरेंस इज कि आप अपने पूरे इनपुट को एक साथ इस नेटवर्क में फीड नहीं कराते हो। व्हाट यू डू इज, आप 1 by 1 कराते हो। सो टाइम स्टेप्स के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो आई होप पहला पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन आपको समझ में आ गया। सेकेंड बिग पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि जो आपका ANN होता है वो एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ इस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करता है, इनपुट से आउटपुट की तरफ। बट RNNs आर नॉट फीड फॉरवर्ड। इनफैक्ट RNNs में देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। सो व्हाट हैपेंस इज कि आपका ये जो हिडन लेयर है वो वापस पलट के एक फीडबैक भेजता है पीछे, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। और इसी को हमें सबसे ज़्यादा समझना है, ये जो ये कनेक्शन है ना, यही RNN को RNN बनाता है। तो मैं बहुत डिटेल में एक एक करके आपको समझाता हूँ ये पूरी चीज़ काम कैसे करेगी। सो पहले मैं आपको RNN का आर्किटेक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये तो काइंड ऑफ एक फ्लो डायग्राम था, मैं आपको एक प्रॉपर आर्किटेक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको उस आर्किटेक्चर के ऊपर फॉरवर्ड प्रोपगेशन लगा के दिखाता हूँ, एंड ट्रस्ट मी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो
हम अपने प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं. सो यहाँ पर यू कैन क्लियरली सी कि हमें जो RNN चाहिए है उसमें जो इनपुट लेयर होगा उसमें हमें 5 नोड्स रखने पड़ेंगे, बिकॉज यू कैन सी हर वर्ड इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड एज 5 नंबर्स. सो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है कि आपका इनपुट लेयर विल कंसिस्ट ऑफ 5 नोड्स, ठीक है. अब आपको ये हिडन यूनिट डालना है या हिडन रिकरेंट लेयर डालना है. अब फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि हम 3 नोड्स का हिडन लेयर डाल रहे हैं. आप इससे ज़्यादा का भी कर सकते हो, इससे कम का भी कर सकते हो. तो सबसे पहले क्या होगा कि ये सारे के सारे फुली कनेक्टेड लेयर्स की तरह काम करेंगे. ओके, फिर हमारा आउटपुट होगा जो कि कुछ ऐसा दिखाई देगा, एंड दिस इज द आउटपुट लेयर विथ 1 नोड, और इसका एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड होगा बिकॉज आप सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हो जिसमें 2 सेंटिमेंट्स हैं. यहाँ पे आपको आपका प्रेडिक्शन मिल रहा है. मेन चीज़ जो है वो है ये कनेक्शन. इसको कैसे बनाना है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सबसे पहले तो क्या होगा कि सिंस ये एक रिकरेंट हिडन यूनिट है, इसका मतलब ये खुद को ही फीडबैक देगा. इसका आउटपुट वापस इसी के लिए इनपुट बन जाएगा. होगा क्या कि हर एक नोड का आउटपुट जो निकलेगा वो वापस उसी नोड के लिए इनपुट का भी काम करेगा. लाइक दिस एंड नॉट ओनली दिस, जो इस नोड का आउटपुट है वो यहां पे भी जाएगा और वो यहां पे भी जाएगा. सिमिलरली ये जो नोड है इसका आउटपुट यहां पे भी जाएगा और यहां पे भी जाएगा. सिमिलरली इस वाले का आउटपुट यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा. आई नो मैंने कचड़ा बना दिया, और कचड़ा इसलिए हुआ क्योंकि ये सही तरीका नहीं है ये चीज़ दिखाने का. मैं आपको सही तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ. ये रहा गाइज इस पूरी चीज़ को सही तरीके से दिखाने का तरीका. आप ऐसे इमेजिन करो कि इतना जो डायग्राम है ना, ये टी इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट टाइम इंटरवल के लिए या टाइम स्टेप के लिए. बाय द वे हम अपना पहला मूवी रिव्यू के साथ काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब टाइम स्टेप 1 होगा तो आप अपना पहला वर्ड उठा के इस नेटवर्क में भेजोगे, और पहला वर्ड बाय द वे ये है. तो बेसिकली आप यहाँ से 1000 इस नेटवर्क में भेज रहे हो, वो जा करके आपको हिडन लेयर्स पे जाके मिलेगा. अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होगा जो नॉर्मल कैलकुलेशन होता है फॉरवर्ड प्रोपोगेशन का, और हर नोड का एक आउटपुट होगा. हर नोड का एक आउटपुट होगा या एक्टिवेशन होगा. आप क्या कर रहे हो, उस एक्टिवेशन को वापस इसी हिडन लेयर में भेज रहे हो बट फॉर टाइम इक्वल टू 2 के लिए. अब क्या हो रहा है, टाइम इक्वल टू 2 के लिए क्या हो रहा है कि आप सेकेंड वर्ड को उठा रहे हो, वॉज को. वॉज ये वेक्टर है, यहां पे आपने ये वेक्टर भेजा 0100 और इसको आप वापस उसी हिडन लेयर में भेज रहे हो. बट इस बार इस हिडन लेयर में नॉट ओनली ये वेक्टर आ रहा है बल्कि पिछले टाइम स्टैम्प से इसके खुद का आउटपुट आ रहा है. अब यही चीज़ आगे कंटिन्यू होगी, मैं आपको थोड़ी देर के बाद और डिटेल में समझाऊंगा, बट आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया. अब आप सोच सकते हो कि चलो सेकेंड टाइम स्टैम्प में तो यहाँ पे मुझे पिछले वाले साइकिल का इनपुट मिल रहा है, जब फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो हमें इनपुट में क्या मिलेगा. बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इस जगह पे
कुछ भी रैंडम इनपुट भेज दोगे 3x3 का। ये जीरो भी हो सकता है, रैंडम नंबर भी हो सकता है। सो बेसिकली ये जो फीडबैक है, फॉर द फर्स्ट टाइम स्टैम्प इट वुड बी जीरो और रैंडम नंबर्स, ये आपके ऊपर है। बट एक बार आप आगे बढ़ जाते हो तो अब पिछले साइकिल का जो आपका आउटपुट है वो अगले साइकिल को मिलता है, और ये चीज़ आगे कंटिन्यू होती है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हमें समझनी है, वो ये है कि इस पूरे आर्किटेक्चर में वेट्स एंड बायसेस कितने हैं, ये हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान से देखो। सो बेसिकली ये नेटवर्क है तो ऐसा, ये नेटवर्क है तो ऐसा, राइट? तो यहां पर आपके पास एक वेट मैट्रिक्स है जिसका साइज है 5x3, मतलब यहां पे देर आर 15 वेट्स। फिर ये भी नॉर्मल है, ये आपका आउटपुट से कनेक्टेड है, तो ये है 3x1, तो यहां पे भी तीन आपके वेट्स हैं। फिर आपके, सिंस ये तीन नोड्स हैं, तो इन तीनों के बायसेस भी होंगे, और ये भी एक नोड है तो इसका भी एक बायस होगा, राइट? तो ये तो सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस ये जो हिडन कनेक्शन है ना, इसके भी वेट्स होते हैं। सो बेसिकली ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे भी एक वेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, राइट? और ये कितना है? 3x3। तो यहाँ पे भी 3x3 वेट्स हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस जगह पे आपके पास मान लो W1 मैट्रिक्स है जिसमें देर आर 15 वेट्स, इस जगह पे 3x3 है, लेट्स कॉल इट W2 मैट्रिक्स, जिसमें 9 वेट्स हैं, इस जगह पे देर आर 3 वेट्स, इसको W2 बुला लो। सो 15 + 9 + 3, ये आपका हो गया 27 वेट्स, ठीक है? और फिर अगर आप बायसेस काउंट करो तो यहाँ पे तीन बायस है और यहाँ पे एक बायस है, तो बेसिकली देर आर 27 वेट्स प्लस 4 बायसेस। इतने ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं इस आर्किटेक्चर में। तो अभी मैंने आपको ये नहीं दिखाया है कि फॉरवर्ड प्रोपगेशन काम कैसे कर रहा है, अभी बस मैंने आपको आर्किटेक्चर दिखाया है। और आर्किटेक्चर दिखाने का मतलब है मैंने आपको ये दिखाया है कि इस नेटवर्क में कितने वेट्स और कितने बायसेस हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा उसका मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ सो दैट एकदम ही क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बस कुछ चीज़ें इंपोर्ट की हैं, सीक्वेंशियल मॉडल इंपोर्ट किया है, और लेयर्स से हमने दो लेयर्स इंपोर्ट किए, डेंस और सिंपल RNN। और यहाँ पर मेन चीज़ है गाइज, सबसे पहले हमने सीक्वेंशियल मॉडल बनाया है और उसमें हमने दो लेयर्स ऐड किए हैं। द फर्स्ट लेयर इज अ सिंपल RNN लेयर विथ 3 नोड्स। हम अभी तक ये 3 नोड्स लेके चल रहे थे तो वही मैंने यहाँ पे रेप्लिकेट किया है, राइट? और इनपुट शेप में मैंने बता दिया है कि टाइम स्टेप्स 4 होंगे मैक्सिमम, और इनपुट फीचर्स जो हैं वो 5 हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने एक मॉडल डॉट ऐड डेंस लेयर ऐड किया है विथ 1 नोड, एंड द एक्टिवेशन इज सिग्मोइड बिकॉज हम बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं। अब जैसे ही मैंने मॉडल समरी के ऊपर क्लिक किया, यू कैन सी कि जो टोटल पैरामीटर्स, ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं वो 31 है, बिल्कुल जो हमारा कैलकुलेशन था, राइट? सो 27 आपके सिंपल RNN से आ रहे हैं और 4 आपके डेंस लेयर से आ रहे हैं, ठीक है? मैं आपको इनफैक्ट सारे के सारे ट्रेनेबल पैरामीटर्स दिखाता हूँ। सो मैंने गेट वेट से निकाला है, सो जो पहला मेट्रिक्स आ रहा है वो 5x3 है, एंड दिस इज द एरे। ये बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इनपुट और सिंपल RNN के बीच में 5x3 वेट्स हैं। जब आप आगे बढ़ रहे हो फर्स्ट वाले पे, तो अब 3x3 एक वेट मैट्रिक्स आ रहा है, विच इज नथिंग बट दिस फीडबैक कनेक्शन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 3x3, ठीक है? आगे बढ़ रहे हो, आपको ये 3 बायस दिखाई दे रहे हैं इन तीनों नोड्स के लिए, एक एक बायस है।
और जब आप आगे बढ़ रहे हो तो 3x1 फिर से एक वेट दिखाई दे रहा है, और वो ये है जो आपने आउटपुट वाले को अपने सिंपल आरएनएन से कनेक्ट कर रखा है, और लास्ट में आपको एक सिंगल बायस दिखाई दे रहा है और वो है इस वाले का। ठीक है, तो आई होप आपको आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल आरएनएन समझ में आ रहा है। सो हमने आर्किटेक्चर तो समझ लिया क्लियरली, अब मेन चीज़ पे आते हैं और देखते हैं कि एक आरएनएन में फॉरवर्ड प्रोपगेशन कैसे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई इनपुट देते हो अपने आरएनएन को तो हमारा आरएनएन आउटपुट कैसे कैलकुलेट करता है। ठीक है, वी आर गोइंग टू टेक द सेम एग्जांपल, रिव्यू और उसका सेंटिमेंट कैलकुलेट करना। यहाँ पर बेसिकली मैंने वर्ड्स को सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, और यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी वर्ड हेयर x11, x12, x13, ये सब के सब वेक्टर्स हैं। मतलब x11 वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और ये सारे के सारे वेक्टर्स 5 डायमेंशनल है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हम वन बाय वन इनको हमारे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में भेजेंगे। ठीक है, और हम ये सेम आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं। अब फॉरवर्ड प्रोपगेशन करते टाइम एक कॉन्सेप्ट फॉलो होता है जिसको बोला जाता है अनफोल्डिंग थ्रू टाइम। ठीक है, विच इज़ बेसिकली अ फैंसी वे ऑफ सेइंग कि ये जो रिकरेंट लेयर है ना, ये एक लूप की तरह काम करेगा। लेट मी एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन को एक सिंपल फॉर्म दे रहे हैं। मैं ये बॉक्स बना ले रहा हूँ और ये बॉक्स इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग दिस रिकरेंट लेयर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स में यहाँ पर सबसे पहले टाइम इक्वल टू 1 पे x11 को भेजूँगा, पहले वर्ड को। ठीक है, माइंड यू हमारा जो पहला वर्ड है उसका शेप इज दिस, राइट? और हमारा जो पहला वर्ड है वो यहाँ से अंदर जाएगा और इन वेट्स के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक वेट है, लेट्स कॉल इट वेट इनपुट। ठीक है, और आप देख सकते हो कि इसका शेप इज 5x3। ठीक है, अब अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस रिकरेंट लेयर के अंदर क्या होगा। सो इस रिकरेंट लेयर इज नथिंग स्पेशल, इट विल एक्ट लाइक अ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सो यहाँ पे हर जो नोड है इसके अंदर एक एक्टिवेशन फंक्शन भी है, वो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है शायद, बट बाय डिफॉल्ट अगर आप सेट ना करो तो सभी का जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो टैन एच है। सो होगा क्या कि आप सबसे पहले इस x11 और इस wi का डॉट प्रोडक्ट करोगे। ठीक है, सो दिस विल बी द ऑपरेशन x11 मल्टीप्लाइड बाय wi, और ये डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है बिकॉज ये और ये सेम है। तो जैसे इसका डॉट प्रोडक्ट होगा यू विल गेट 1x3 का एक वेक्टर और मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स को या बेसिकली आप बोल सकते हो इन 3 नंबर्स को आप अपने एक्टिवेशन फंक्शन में डाल दोगे। सो बेसिकली इस पूरे बॉक्स के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है वो ये है। ठीक है, वेयर दिस एफ इज टैन एच। ठीक है, आप रेल्यू भी लगा सकते हो, जो भी आपने एक्टिवेशन फंक्शंस पढ़े हैं आप उसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये जैसे ही कैलकुलेट होगा तो आपको मिल जाएगा आपका O1। ठीक है, यहाँ से आपको आपका O1 मिल गया। ठीक है, बाय द वे O1 का शेप क्या है, 1x3। ठीक है, विच इज़ एक्चुअली वैलिड कि हर नोड से एक आउटपुट निकल रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। टाइम इक्वल टू 1 ख़त्म हो गया, पहले वर्ड का जो काम था वो हमने निकाल लिया। अब आता है टाइम इक्वल टू 2। अब टाइम इक्वल टू 2 में क्या होगा कि हम वापस इसी नेटवर्क को यूज करेंगे विद द सेम वेट्स, इन्हीं सेम वेट्स को हम यूज करेंगे। अब
यहां पर अब हम जो वर्ड भेजेंगे वो है सेकेंड वर्ड, ये वाला, ठीक है। और ये फिर से इन्हीं वेट्स के थ्रू इस नेटवर्क के अंदर जाएगा। सो बेसिकली यहां पे आ जाएगा W I, ठीक है। बट इस बार एक चीज डिफरेंट होगी। इस बार डिफरेंट क्या होगा कि हम एक और इनपुट इस नेटवर्क में प्रोवाइड करेंगे, और वो इनपुट क्या है, वो है ये O1। सो मेरे पिछले वर्ड से जो आउटपुट आया था उसको मैं अपने नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट टाइम स्टेप में एज इनपुट भेजूंगा, और ये इनपुट जो जाएगा वो एक वेटेड कनेक्शन के थ्रू जाएगा जो मैंने आपको बताया था। इस वेटेड कनेक्शन के थ्रू जाएगा, ये जो 3x3 वेट वाला था ना, इसके थ्रू जाएगा। सो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ये ओवन भी अंदर जा रहा है बट ये अब WH के थ्रू जा रहा है, ठीक है। और WH का जो शेप है वो हमने नोटिस किया था कि 3x3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से अंदर सेम ऑपरेशन होगा TANH वाला। सो अंदर क्या कैलकुलेट होगा, अंदर कैलकुलेट होगा F ऑफ X12 टाइम्स WI प्लस O1 टाइम्स W हिडन। ये पूरी चीज़ कैलकुलेट होगी, और ये पूरी चीज़ कैलकुलेट होनी भी चाहिए। X12 का शेप है 1x5, WI का शेप है 5x3। तो जैसे ही इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा 1x3 का। फिर O1 का शेप है 1x3 और WH का शेप है 3x3। तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से आपको मिलेगा 1x3। इन दोनों का शेप सेम है तो आप इनको ऐड कर सकते हो, और ऐड करने से आपको फिर से मिलेगा 1x3। बेसिकली यहाँ से एक आउटपुट निकलेगा और आप उस पूरे के ऊपर फिर से TANH लगाओगे एंड यू विल गेट O2, ठीक है। अब टाइम इक्वल टू 2 खत्म हो गया। अब हम मूव कर रहे हैं टाइम इक्वल टू 3 की तरफ, और टाइम इक्वल टू 3 में क्या होगा, फिर से हम यही सेम वेट्स यूज़ करेंगे, फिर से हम यही सेम वेट्स यूज़ करेंगे। और इस बार हम हमारा तीसरा वर्ड भेजेंगे X13। यहाँ से हम पास करेंगे X13 जो कि इस नेटवर्क में जाएगा, फिर से कौन से वेट्स के थ्रू, WI के थ्रू। और फिर से एक और इनपुट हमें मिलेगा और वो है ये O2, राइट। और ये O2 कौन से वेट के थ्रू जाएगा, WH के थ्रू, ये जो हिडन वाले वेट्स हैं जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और फिर से आपका ऑपरेशन क्या होगा, आपका ऑपरेशन ये होगा X13 डॉट प्रोडक्ट WI प्लस O2 डॉट प्रोडक्ट WH। और इस पूरे का आप फिर से क्या निकाल लोगे, आप निकाल लोगे TANH, और इससे आपको मिलेगा O3 जिसका शेप क्या है 1x3, राइट। सो अब आप यहाँ पे पहुँच गए, आपके सारे वर्ड्स खत्म हो गए। अब ये जो आपको O3 मिला है इसका आप डॉट प्रोडक्ट करोगे इससे, इन तीन वेट से, और ये तीन वेट्स हैं 3x1। ये डॉट प्रोडक्ट करने से आपको मिल जाएगा 1x1 विच इज़ बेसिकली अ स्केलर, और इस स्केलर के ऊपर आप लगाओगे सिग्मॉइड, और जैसे आप सिग्मॉइड लगाओगे आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। सो दैट इज हाउ फॉरवर्ड प्रोपगेशन इन RNN वर्क्स। अब यहां पर एक दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। सो अभी तक आप नोटिस कर रहे होंगे कि टी इज इक्वल टू 1 को छोड़ के बाकी सारे टाइम स्टेप्स में दो इनपुट्स मिल रहे हैं, एक वर्ड और दूसरा पिछले स्टेप का आउटपुट। बट टी इक्वल टू 1 में सिर्फ एक ही इनपुट मिल रहा है और वो है X11 जो कि आपका पहला वर्ड है। तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि पिछले स्टेप का आउटपुट आपको मिल पाए। दैट इज़ वाई कंसिस्टेंसी रखने के लिए आप यहाँ पे O0 देते हो विच इज़ बेसिकली
वन क्रॉस थ्री वेक्टर ऑफ जीरोस और रैंडम नंबर्स, जिसकी वजह से जब आप यहाँ पर एफ कैलकुलेट करते हो तो वो हो जाता है एफ ऑफ एक्स वन वन टाइम्स डब्लू आई प्लस ओ जीरो टाइम्स डब्लू हिडन, जस्ट टू बी कंसिस्टेंट आप ये काम करते हो, ठीक है। इसके अलावा एक दो चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा इसी जगह पे। आई गेस ये पूरा एक्सप्लेनेशन देख के अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भाई इसको रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्यों बोलते हैं, तो आप शायद आंसर कर पाओगे। रिकरेंट इसलिए बोलते हो बिकॉज आपका ये जो हिडन लेयर है ना, ये वाला जो हिडन लेयर है, ये रीअकर कर रहा है, ठीक है। आप इनपुट चेंज कर रहे हो वर्ड बाय वर्ड, बट आप बार बार इसी लेयर को यूज़ कर रहे हो आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए। दैट इज़ वाई आप इस न्यूरल नेटवर्क को रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बोलते हो। ऑल्सो एक चीज़ और ध्यान देने की है, और वो ये है कि आप हर बार नया इनपुट दे रहे हो बट आप सेम वेट वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हो। सो बेसिकली यहाँ पर पैरामीटर शेयरिंग या वेट शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड कि सच में यहाँ पर आप सीक्वेंस का जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस कर रहे हो, राइट। हमने आरएनएन क्यों यूज़ करना शुरू किया, बिकॉज आरएनएन कैन एक्चुअली प्रोसेस द हिडन इन्फॉर्मेशन इनसाइड अ सीक्वेंस, एंड यू कैन एक्चुअली सी कि आप जब फाइनली अपना आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हो लास्ट स्टेप में, उसमें एक कंपोनेंट पिछले वाले आउटपुट का है, उसके पिछले वाले आउटपुट का है, उसके पिछले वाले आउटपुट का है। इनफैक्ट एक सिंपल आरएनएन कैन प्रोसेस अ सीक्वेंस ऑफ 10 टाइम स्टेप्स, मतलब पिछला 10 जो आपके टाइम स्टेप्स थे उनके इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है एज मेमोरी, एंड दैट इज़ वाई सीक्वेंशियल डेटा के ऊपर आरएनएन बहुत अच्छा काम करता है। अब जो आपने अभी तक सीखा, मैं आपको उसका एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन देता हूँ, एक समरी देता हूँ, और ये देखने के बाद आपको काइंड ऑफ आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि आरएनएन कैसा होता है, ठीक है। सो आप एक आरएनएन को एक बॉक्स की तरह इमेजिन कर सकते हो जिसमें दो इनपुट्स मिलते हैं या जाते हैं, ठीक है। सो जो फर्स्ट इनपुट है वो है आपका एक्स आई टी, वहाँ पे आई रिप्रेजेंट्स रो नंबर एंड टी रिप्रेजेंट्स टाइम स्टेप, राइट। जैसे हमने एक्स वन वन भेजा था, इसका मतलब क्या था कि फर्स्ट रो का पहला वर्ड, राइट। सिमिलरली एक्स वन टू का मतलब था फर्स्ट रो का सेकेंड वर्ड, तो यहाँ से हम एक्स आई टी भेज रहे हैं। और यहाँ से एक और इनपुट जाता है और वो है ओ टी माइनस वन, प्रीवियस टाइम स्टेप पे जो आउटपुट था वो भी आपको एज इनपुट मिलता है, ठीक है। और ये जो आपका इनपुट जाता है वो एक वेट मैट्रिक्स के थ्रू जाता है जिसको आप डब्ल्यू आई बोल सकते हो, और ये जो ओ टी माइनस वन है ये एक वेट मैट्रिक्स के थ्रू जाता है जिसको आप डब्ल्यू एच बोल सकते हो, ठीक है। सो हो क्या रहा है बेसिकली कि आप पहले ये डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, एक्स आई टी डॉट प्रोडक्ट डब्ल्यू आई, और आप फिर ये डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो ओ टी माइनस वन डब्ल्यू एच। जैसे ये डॉट दोनों डॉट प्रोडक्ट्स आप कर लेते हो, उसके बाद आप इन दोनों को ऐड करते हो इनसाइड द आरएनएन। सो बेसिकली ये ऑपरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप जो भी आउटपुट है, इस चीज़ का आउटपुट इज एक्चुअली अ वेक्टर, उस वेक्टर को आप एक एक्टिवेशन फंक्शन में भेजते हो। सो बेसिकली ये ऑपरेशन होता है, ठीक है। और इस ऑपरेशन से आपको आपका ओ टी मिलता है, करेंट टाइम स्टेप पे आपका जो आउटपुट है, ठीक है। अब अगर ये लास्ट टाइम स्टेप है, इन दैट केस आप क्या करते हो, इस ओ टी को यहाँ भेजते हो डब्ल्यू ओ के पास। डब्ल्यू ओ क्या है, डब्ल्यू ओ है ये वाला वेट्स, और डब्ल्यू ओ के साथ बेसिकली ये आपका ओ टी हो गया,
अब आप इस ओ टी को डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो डब्ल्यू ओ के साथ, और फिर आप उसको एक एक्टिवेशन फंक्शन में फिर से भेजते हो, लेट्स कॉल इट जी, और इस जी से आपको आपका वाई हैट मिलता है. और ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है, हमारे केस में इट वॉज सिग्मॉइड, क्योंकि हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम किया था. अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो इट कुड बी सॉफ्ट मैक्स, रिग्रेशन है तो इट कुड बी लीनियर, और यही हमारा फाइनली होता है वाई हैट. सो दिस इज द एंटायर ऑपरेशन. ठीक है, एक बार समराइज कर रहा हूँ. हर टाइम स्टेप पे आप करंट इनपुट और प्रीवियस स्टेप का आउटपुट को नेटवर्क में भेजते हो, दोनों को ऐड करते हो, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद उसको अपने एक्टिवेशन फंक्शन में भेजते हो. ये एक्टिवेशन फंक्शन बाय द वे हमारे केस में टैनेज था, और इससे आपको करंट स्टेप का आउटपुट मिलता है. बट अगर आप लास्ट टाइम स्टेप पे हो तो आप इसको बाहर निकाल लेते हो डब्ल्यू नॉट के साथ डॉट प्रोडक्ट करके, और उसको फिर जी में भेजते हो विच इज़ योर सिग्मोइड, और उससे आपको आपका वाई हैट मिलता है. तो दिस इज़ द सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन. ये ज़्यादा लॉजिकल है, बट अगेन ये समझने के लिए आपको पिछली चीज़ समझ में आनी चाहिए. ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई. सो दैट वॉज द वीडियो गाइज. आई होप मैंने आपके लिए आर एन एन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग एक कोड एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पर हम प्रॉपरली एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट छोटा सा बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आर एन एन के अंदर बैक प्रपोगेशन काम कैसे करता है. ठीक है, हमने फॉरवर्ड प्रपोगेशन देख लिया, वी विल सी कि बैक प्रपोगेशन काम कैसे करता है. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय.